हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल का ब्लॉग मेरा रहा बहुत शानदार, और आप भी बताएं कैसा लगा आपको। और आज प्रकाश की बारात है, उसके लिए हम रेडी हो गए हैं। हालांकि मैं कोट पैंट पहनूंगा, वो आगे जाके पहनूंगा, अभी यहाँ से चढ़ना है उसके बाद। और अब मैं जा रहा हूँ फंक्शन में, आज आके देखते हैं क्या तैयारियाँ चल रही हैं और कितनी देर में बारात निकलने वाली है, और आज का पूरा सीन दिखाते हैं आपको। बाकी बहुत यहाँ का वेदर भी सुबह एकदम बारिश वाला हो गया था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश अच्छी वैसे ना हो जाए, बट अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, धूप निकल आई है, तो मौसम ने तो बिल्कुल साथ दे दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ का कैसा रहता है हमारा सीन, और मैं पहुँचता हूँ फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे और यहाँ पे डांस वांस चल रहा है। यहाँ प्रकाश रेड्डी के बाहर आ गया, और जो कि मानी के कुछ रीति रिवाज होते हैं तो बारात चलने से पहले वो पूरी किए जा रहे हैं। पहाड़ों में ऐसे जाती है बारात, आगे छोदिया नृत्य होता है, पीछे पीछे सब लोग एक साथ आते हैं। यह है पहाड़ी कल्चर, ऐसे पहाड़ों में जाती है बारात और एक साथ सब लोग निकलते हैं लाइन से। तो पहले दूल्हे को कुछ देर तक तो कंधे पे उठा के लेके आते हैं। जी ओ जी, थक गया? तभी कहा था वेट लॉस कर ले। हाँ सब आ रहा है। We'll be right back.
कल आने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, अब चढ़ने में थोड़ा सा हो रहा है। ये जा रहे हैं ऐसे ऊपर को बारात। हाँ तो भाई चढ़ने में तो पसीना आ गया, चढ़ने में मेहनत लग रही है। आते टाइम तो पता भी नहीं लगा था हम कब नीचे पहुँच गए थे। अब थोड़ा 5-10 मिनट का और है रास्ता, फिर पहुँच जाएंगे मेन स्टॉप पे। बस हम पहुँचने ही वाले हैं। ये जो सामने ऊपर घर है यहाँ तक जाना है, और ऊपर को तो बहुत ही ज़्यादा ढाल हो रही है, बिल्कुल चढ़ाई है आप देख सकते हैं। हाँ सांस भी फूल रही है अब तो। यहाँ से सब लोग गाड़ियों से जा रहे हैं और मैं बाइक पे हूँ, तो मैं बाइक से निकलता हूँ। आने लग गई है भयंकर बारिश, अब बारिश के बीच में जाना बड़ा टफ हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा रुका हूँ मार्केट में, रानीखेत पहुँच गया हूँ, थोड़ा मैंने सोचा चाय पी लूँ साथ में। अब थोड़ी सी बारिश कम होती तो जा रही है, मगर ऊपर को मौसम बहुत बिगड़ा हुआ लग रहा है। तो मौसम आज साफ रहे तो ही काम बन पाएगा यार। तो बाकी यहाँ से चाय पी के निकलता हूँ, फिर बाकी साथ में वाले गोल्फ ग्राउंड पे खड़े हैं, वहाँ उनसे मिलते हैं। पहुँच गए गोल्फ ग्राउंड, ये हमारे चाचू लोग यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। कुछ बोलो चाचू, कुछ बोलो, कुछ बोलो आज। गर्मी मतलब ऐसा है ना, बस हमारा फोन नहीं उठा रहा। अरे ऐसा नहीं हो सकता, कैप्चर हो जाएगी ना। बाकी सब लोग ये खड़े हैं। हेलो सर जी, क्या हाल चाल? बल्ले 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 सारी गल पंजाबियां मेरे को आंदे सी, मैं सारी गल करदा सी। इन्नी चंगी पंजाबी है, मैं गल करदा सी कि सारे बंदे मेरे को पंजाबी गल करदा सी। मैं अब इतना जब जो मैं आया तो मैं पूछने लगे यार तू पहाड़ी हो, पहाड़ी का मुंडे हो गए तो पंजाबी की गल कर लेंगे हो। मैंने कहा यार ते गल है, गल तो सीखनी की गल है, मैं सीख लीती है सारी गल पंजाबियों से, तो की होया तो सारी गल हम जैसे ही यहाँ से निकले हैं मौसम बिगड़ता जा रहा है, खतरनाक बारिश आ गई है यहाँ पे। मौसम हर 10 मिनट में मौसम चेंज हो रहा है। हम खाली ऐसे लग रहा है हमारा तैयार होना बेकार हो गया है। पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे, वहाँ का क्या सीन रहता है। बारिश भी तो कितनी तगड़ी है। भाई मौसम तो खतरनाक हो गया है, बिल्कुल भीग गया हूँ, कहीं से कहीं तक कुछ बचा नहीं है मेरा। मेरे 350 रुपए पूरे बर्बाद गए थे कोट पैंट ड्राई क्लीन कराने के। अगर पता होता इतना धुलना है तो मैं ड्राई क्लीन भी नहीं कराता। भाई इतना खतरनाक रोड है यहाँ पे, बिल्कुल गारा हो चुका है। अब यहाँ से हम जाना है पैदल। ये सब लोग मेरे भाई लोग तैयार हो गए। रक्षाना जी भाई गाड़ी का माहौल नहीं दिखाना है अंदर दिखा दो। बल्ले ओ की कर दीता पाजी, ओ पहुंच गए पाजी, ब्लॉग बना लो। ये जो जी रात का मजा तो पूरा लिया ना पानी में, पूरा पूरा भाई। आराम से ध्यान से विजय भाई, ध्यान से देखे आना इन्हें, ठीक है? रास्ता दिखाते रहना और खाई वाली साइड दूर रहना, कोई दिक्कत नहीं। विजय लेके आ रहा है, तुम लेके आ रहा कैसे आ रहे भाई ये बता दो। है ना, ये मुझे लेके आ रहे हैं। कोई तो लेके आ रहा है एक दूसरे, विजय को लेके आओ आओ फिर। बाकी तो यार सब ठीक है, कपड़े पूरे भीग गए मेरे यार, अंदर तक पानी चला गया है। वाह अंदर तक बिल्कुल। यहाँ सबका तिलक हो रहा है। शगुन का लिफाफा, थैंक यू सर। हम पहुंच गए घर पे। हाँ भाई डेकोरेशन का रखिएगा सुप्पी।
अब प्रकाश की शादी निपटने के बाद उनकी जयमाला वगैरह हो गई है और मैं जा रहा हूँ वापस घर को, और साथ वाले लोग मेरे सारे निकल चुके हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया था जयमाला के चक्कर में, तो अब खाना भी ना होके जयमाला हो गई है, अब मैं निकल रहा हूँ। अब मौसम थोड़ा साफ है और लग रहा है कि आज शाम तक नहीं पड़ा तो मैं घर पहुँच जाऊँगा। अगर बारिश का मौसम बिगड़ता है तो फिर मैं रास्ते में कहीं स्टे करता हूँ। तो बाकी ठंड तो मौसम ठंडा हो ही गया है बारिश के चक्कर में, तो बाकी इस ब्लॉग में आपको सब कुछ में देखने को मिल जाएगा कि जो पहाड़ की रीति रिवाज से किस तरह से उनकी शादी होती है, कैसे वो लोग बारात में पहुंचते हैं, ये सारा इस ब्लॉग में कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। अब मैं यहाँ से निकल के सीधा पहुंचता हूँ अपने जहाँ मैंने बाइक स्टैंड खड़ी कर रखी है, और फिर सीधा हल्द्वानी के लिए निकल लेता हूँ। बाकी मिलते हैं रास्ते में कुछ नए अपडेट के साथ। पैदल आ रहा था पैदल रास्ते पे, तो मेरे को कुछ साथी मिले हैं, जो भी ये भी साथी आए हैं प्रकाश की बारात में, तो इनसे मिला मैं। तो कुछ पहाड़ी इन्होंने फलों के बारे में बताया कि ये फल हैं, और उनसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। तो मैं वहाँ से लेट निकला था, तो ये लोग सब गर्म पानी खैरला में पहुँच गए थे, तो यहाँ हम सब लोग एक साथ मिल गए। किसने पी पूरी बोतल बताओ? मैंने पी। किसने? पर एक बात, एक बात सोच, बोतल कुछ उखाड़ पाई तेरा? कुछ नहीं उखाड़ा। चलो फिर जोश जी निकलते हैं यहाँ से। हेलमेट लगा, हेलमेट। अरे मामू की दुकान में मिलोगे चाचा की।